नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह दैनिक क्षेत्र समाचार से। ध्रुव की मृत्यु के बाद भी गट्टू बेचने वालों को भी कोई शर्म नहीं आ रही है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जहां हम यूं कहें हमारे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ये भी अभी नींद से नहीं जागे हैं। हमने पिछले दिनों आपको कुछ खबरें दिखाई जहां पर पक्षी जो थे वो गट्टू की डोर में फंसे हुए थे और दो दो तीन तीन दिन वो कैसे वहां पर रहे और बाद में बड़ी मुश्किल से उनको निकलाया और ना जाने कितने अनगिनत जीव इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लोगों के कईयों के गले कट रहे हैं, कईयों के हाथ कट रहे हैं, कईयों के कुछ कट रहे हैं और उसके बाद एक छोटे बच्चे की मृत्यु। लेकिन किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या वो ये चेक करे कि क्या गट्टू की डोर दुकानदार बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। अगर लोगों के पास आ रही है तो इसका मतलब वो बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो किस तरह से बेच रहे हैं, इनका तरीका क्या है, क्या ये लोग भी इलीगल काम करने के लिए अब शुरू हो गए हैं या लोभ लालच इनके मन में इतना भर गया है कि ये उसके लिए कुछ भी करने लगे हैं। लेकिन अब बिश्ना के जो पुलिस स्टेशन के कर्मचारी हैं वो थोड़ी हरकत में आए हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है गट्टू बेचने के उसमें। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विनोद कुमार हैं बिश्ना से। विनोद जी। जी जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ किस तरह की कार्रवाई हुई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है गट्टू बेचने पर। सर, अभी तक तो एक दुकान पे ही पुलिस को कोई गुप्त जानकारी मिली थी तो उस पे एक ही बंदे को अरेस्ट किया है, जिससे 5 गट्टू मिले हैं और 188 का इन्होंने FIR जो जिस मतलब की दर्ज की है इस पे और इस पे इन्होंने इसको अरेस्ट किया है। तो उस आदमी उनका नाम है अश्विनी कुमार, सन ऑफ बाबूराम, वार्ड नंबर 8 बिश्ना के रहने वाले हैं। नहीं तो ये दुकान पे बेच रहे थे, घर में रखे हुए थे इन्होंने गट्टू? नहीं नहीं सर, इन्होंने दुकान पे रखे थे। शरेआम? जी जी जी। तो वहाँ पर सिर्फ वही दुकानदार हैं जो गट्टू बेच रहे हैं, और भी दुकानदार बेच रहे हैं? नहीं सर, अगर ऐसा देखा जाए तो पिछले कुछ देर से मतलब की काफी टाइम से जो बिश्ना में हर दुकान पे मतलब की एक जो भी काइट वाली है, काफी दुकानों पे ऐसे गट्टू हैं और पुलिस ने अभी तक मतलब की कोई मतलब की बाहर मतलब की देखा जाए तो पुलिस कोई दुकान पे जाके मतलब की देखती नहीं थी, कोई मतलब की कन्फर्म नहीं पूछती थी कि भाई आप ये चीज क्या बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, इनको थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए थी। तो मतलब की जैसे कल एक 6 साल के बच्चे की डेथ हुई है, उसी वजह से मतलब की अभी थोड़ा पुलिस को मतलब की कोई गुप्त सूचना मिली थी तो उसी पे पुलिस ने अभी अच्छा काम किया और एक दुकानदार को जिसके पास से 5 गट्टू मिले हैं और इन्होंने उस मतलब की उनको एक रेस्ट भी कर लिया। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू दीप। तो ये देखें, पुलिस अब थोड़ी नींद से जागी है, लेकिन बिश्ना वाली जम्मू वालों को भी हम कहेंगे कि आप भी थोड़ा जागें। सुनने में तो ये भी आया है कि पक्का डंगा में भी जो दुकानदार हैं वहाँ पर ये गट्टू बेच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें पतंगों की दुकानें हैं। वहाँ पे सुनने में आया है कि ये लोग शरेआम नहीं तो घर में रखा है और कईयों ने तो दुकान के अंदर कुछ होल बनाए हुए हैं, वहाँ गट्टू रखे हुए हैं। कितना मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, लेकिन इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, ये गट्टू तो बिक रहे हैं और पुलिस वालों को कोई शर्म नहीं है? किसी को कोई जिम्मेवारी कोई लेने को लेता ही नहीं है कोई। अभी एक बच्चा बेचारा छोटा सा है, 6 साल का बच्चा जो मारा गया, कुछ बच्चे जख्मी हुए थे, उसके बाद थोड़ा सा हलचल होता ना, प्रशासनिक कुछ बड़े अधिकारी ने संकेत दिया होगा क्या, पर हो क्या रहा है। अभी भी आज भी जाओ, आप आज जाओ पक्का डंगा में जाओ, आप वहाँ धड़ल्ले से मिल रहे हैं, किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाओ, मोहल्ले के अंदर चले जाओ, करियाने की दुकानों में वहाँ वो मिल रहे हैं, कॉस्मेटिक की दुकानों के अंदर लोग गट्टू बेच रहे हैं। आप जितने भी लोग पतंग चढ़ा रहे होंगे ना, जितने भी लोग चढ़ा रहे होंगे, आप देखना उनके पास गट्टू हैं। आ कहाँ से रहे हैं, क्या पुलिस को इस बात की खबर नहीं है? जम्मू में सबसे ज़्यादा पकड़ंगा के अंदर ही बिकती है ये डोर, वहीं पर बिकती है, वहीं से आगे सप्लाई होती है और दूसरे जो लोग हैं वहाँ उन तक पहुँचती है, जो दूसरे दुकानदार होते हैं जहाँ बेचते हैं। तो क्या पकड़ंगा पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है? वो कर्मचारी पूरा दिन दुकानों के आगे घूमते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल मिलिटेंट ही आपको पकड़ने हैं, जब इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है। ये तो एक पकड़ंगा वाले मिलिटेंट पकड़ रहे हैं,
मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का मतलब ये नहीं है कि केवल मिलिटेंट आपको पकड़ने हैं या केवल गाड़ियों के चालान करने हैं आपको। जब कोई बड़ी, आपको पता है कि इस सीजन के दौरान कितनी मौतें हो जाती हैं, ये एक मौत अगर वहाँ पर आई है हॉस्पिटल के अंदर वो तो आंकड़ों में आ गई। मैं खुद राह में चल रहा हूँ, किसी भी गली में जा रहा हूँ, मेरा पैर में देख रहा हूँ वो फंस रही है, प्लास्टिक की डोर है ये, जब तक ये जले ना तब तक ये ख़त्म नहीं होती है, कहीं पाँव में फंस रही टूटती भी नहीं है। कितनी गाड़ियां, मैं कल शाम के समय बीसी रोड पर गाड़ी चलते चलते स्कूटर सवार जो गिर गया, अब उसकी डोर फंसी कहीं पर तो गिर गया, अब वो ना तो पुलिस स्टेशन गया ना हॉस्पिटल गया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं और इसी तरह के कितने लोग गिर जाते हैं, किसी की टांग टूट रही है, बाजू टूट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो आंकड़ों में नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक बच्चे की नहीं, तो हम क्या माने कि सिर्फ यहीं पर लूप होल है, यहाँ पर लोग बेच रहे हैं, ये लोग ला कहाँ से रहे हैं, वहाँ इनको पूछा नहीं जाना चाहिए कहाँ से ला रहे हो, वहाँ पर भी कार्रवाई होती है। सबको पता है लखनपुर से आ रहा ना सामान, लखनपुर से आ रहा है, अब ये ना तो ड्रोन की ड्रोन से आ रहा है और ना ही ये कोई वायर आ रहा है, वहीं से आ रहा है ना, तो वहाँ क्या आते नहीं। अभी छोटे छोटे बच्चे, आप शाम के समय चले जाएं आप, तो इतना इतना मतलब डब्बे लिए हुए हैं लोगों ने, बैग वो लिए हुए हैं, उसमें गट्टू डाल रहे हैं, आठ आठ दस दस गट्टू लेके लोग जाते हैं। कोई मिलता कितना है गट्टू? देखो दीपक, ये वहाँ से पंजाब वगैरह उन स्टेटों से आता है, मात्र 120-125 या इस रेट में आता है, यहाँ आकर 300 350 400 600। अब मोहल्ले के अंदर, अभी जो मेरी जानकारी है, अगर मोहल्ले के अंदर किराने की दुकानों में जाएंगे तो वहाँ 350 से लेकर 500 रुपये तक वो बेच रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चले जाएँ, यहाँ भी उससे 50 रुपये कम में ये दे देते हैं। अगर किसी ने बेचने वाले किसी सदस्य ने लेना हो, अगर दुकानदार किसी वगैरह ने लेना हो, तो उनको पता होता है एक गट्टू के पूछे मुझे 100 रुपया या 150 रुपया मिलेगा। और कुछ लोग तो अब ऐसा हो गया कि गट्टू इतने ज़्यादा, हम ये समझें कि लालची हो गए थोड़े लोग। देखो ढीलापन है ना, ढीलापन है, लोगों को खुद समझ नहीं है, लोग इतने क्या मूर्खता, अपने समाज के लोगों मरते हुए भी देख रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं, सब चीज़ें पता लग रही हैं, उसके बाद भी इनको गट्टू बेचना है। देखो दीपक, अभी अभी जो जानकारी हमें मिली थी कि पुलिस स्टेशन जो बिश्ना है उसने कार्रवाई की, हालांकि 5-6 गट्टू निकाले हैं, किसी के निकले हैं वहाँ से, आदमी को अरेस्ट किया, मात्र 5-6 गट्टू पकड़ने से और एक कर्मचारी को पकड़ने पर ही पूरे बिश्ना के अंदर इस समय दहशत मची हुई है। कोई गट्टू ले नहीं रहा, कोई गट्टू चढ़ा नहीं रहा, जिन जिन लोगों ने लिए थे उन्होंने भी अंदर के कमरों में दब कर रख दिए हैं कि कहीं बाहर इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए। भाई जम्मू के अंदर भी तो कार्रवाई करो, पकड़ंगा में तो करो आप कार्रवाई। हम अभी पकड़ंगा नाम ले रहे हैं ना, वो मेरा नंबर नोट कर रहे होंगे, ये बंदा कौन है जो बोल रहा है, आपका नोट करेंगे, चैनल का नोट करेंगे, लेकिन उस गट्टू वाली दुकान का नोट नहीं करेंगे कि वहाँ भी जाएं हम लोग अपनी जिम्मेवारी को संभाल। मतलब गंगा उल्टी दिशा में ही बाहर ही है ये, सिर्फ कुछ गुंड, ये दिखावा होता है, मतलब सीरियस नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से अगर कोई स्पेशल अगर आपको बोला जाता कि ये करो फिर आप करते हो, और भी जिम्मेवारी है ना। ऐसा नहीं लगता है कि सारे के सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे सर पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, हम आराम से अपनी ड्यूटी करें, वाह वाह होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी कोई नहीं चाहता, हमारे एरिया के अंदर कोई ऐसी बात भी ना हो, ना उजागर हो, सारी शांति। ये शांति के चक्कर में क्या समाज को खोखला होने देंगे? ना करो फिर आप सुनो, ना करोगे तो हम तो सुनाएंगे आपको ना, और तब तक आपके कानों में बार बार वो हम लोग डालते रहेंगे जब तक आप काम नहीं करोगे। खासकर देखिए होता क्या कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बीच में मात्र ये 8-10 दिन होते हैं जिसमें ये ज़्यादा बिक्री होती है। देखो दीपक एक बात हो रहा है, होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा, अगर देखो बच्चों को दोष नहीं दूंगा इसमें, जो बच्चे लेते हैं ना गट्टू या खरीदते हैं, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं ना, हर एक बच्चे की कोशिश रहती है कि यार मेरी पतंग ना कटे, सामने वाले की कट जाए, तो वो क्या करता है बढ़िया से बढ़िया लाता है गट्टू, ऐसा है कि जो दूसरे की पतंग को काट भी देता है, तोड़ देता है, खींच के ले आता है। अब क्या करते हैं, एक बच्चे के पास आ गया, अब दूसरा बच्चा भी वही तलाशेगा, वही लेगा जहाँ से भी उसको मिलेगा। अगर ये दुकानदारी इसकी बंद हो जाए, गट्टू की पूरी दुकानदारी अगर बंद हो जाती है, तो फिर एक बच्चे के पास भी नहीं होगा, दूसरे के पास भी नहीं होगा। अच्छा उससे हुआ क्या कि अगर इस सीजन के अंदर एक डोर पहले बिजनेस चलता था, व्यापार होता था, लोग बाहर से आते थे, जो इन गट्टू जो डोर को जिसको मांझा वगैरह बोलते हैं ना, उसको लगाते थे ये बच्चे, लगाते थे, उनका बिजनेस होता था, बिकती थी डोर, लोग चाव से लेते थे। पर अब क्या होगा, गट्टू आने से वो चाइना की डोर, इस तरह तो आप हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं, ये लगाते हैं, और डोर आप चाइना की इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये हो गया कि आपने कोई, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। अगर आप जिम्मेवारी कोई ले लें तो तब आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, वरना नहीं है। और अभी एक बच्चा नहीं, तो उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो ये डोर लेकर चढ़ा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो कि भाई आपने कहाँ से लाई है, वो बताएगा
थोड़ा सा जब पूछेंगे तो बताएंगे ना कि कौन बेच रहा है, कौन कहाँ से ला रहा है, किसको कहाँ से मिल रही है, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन लगाने के लिए थोड़ा तो हमें लगता है इसके ऊपर। मैं दीपक, दर्शक जो हैं, खासकर दर्शक जो हैं, जो लोग मानते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें कोई दम है, तो मैं चाहूँगा कि वो जहाँ पर भी जिस भी दुकान पर जाएँ, आप गट्टू मत खरीदो, एक अपने मोबाइल के अंदर हिडन कैमरा डालो, जेब में डालो, और दुकानदार की फ़ोटो लो, उससे रेट भाव करो, दुकान का नाम देखो क्या है, रेट भाव करो, वो फुटेज जो हमारे पास भेजो और हम ही चलाएंगे उसको, पुलिस को भी दिखाएंगे, वहाँ कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होगा उसको भी दिखाएंगे, और हम लोग उसकी वीडियो खबर भी चलाएंगे। और इसी तरह से फिर हम एक मांग ये भी करेंगे कि अगर हम शूट करते हैं इन चीज़ों को, हम अगर लाते हैं तो फिर उन पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके एरिया से हम ये शूट करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं? वो तो करेंगे हम लोग, हकीकत में करेंगे। इससे पहले कि आप जो भी पुलिस स्टेशन आते हैं, उसके अधीन आते हैं, इस समय इन त्योहारों में देखो, वहाँ कोई अपराध बढ़ता है, कोई किसी की मौत हो जाती है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी इसी तरह के कारण हर साल एक एडवाइजरी निकलती है, खासकर इस गट्टू को लेकर, तो उसको फॉलो नहीं किया जाता, लोग अरेस्ट नहीं होते। आज एक मामला आया बिश्नाह के अंदर, मैं बिश्नाह थाने के लिए स्पेशली उनको थैंक्स करूँगा, इस मामले को लेकर उन्होंने कार्रवाई की है। पर मैं चाहता हूँ और करें, लोग उनको जानकारी दे रहे होंगे, और लोगों पर भी करें आप, पहला थाना होगा जिसने ये सही काम किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि पकड़ अंग के अंदर किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन, कल हमें पता चला था जी शक्तिनगर में जाकर उधर किराने की दुकान पर भी मिल रहा है, दूसरी जगह पर भी मिल रहा है, ऐसे नहीं, वो कह रहे थे वाकव जो जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको दे रहे हैं, उनको देते हैं, 100 रुपया फालतू दे दो, कोई बच्चे को भेजो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना कुछ नहीं होता, पैसा प्रदान होता है। और ये चीज़ें कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पुलिस स्टेशनों में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आप अपनी जो जॉब है उससे न्याय नहीं कर रहे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत, धन्यवाद दीपक। तो ये गट्टू बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिनके एरिया में ये बिक रहे हैं, अगर ये पुलिस वाले काम नहीं कर रहे तो हम ये कहेंगे इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों के कारण किसी की जान जा रही है, और कोई फ़र्क नहीं है। जब तक इनके खुद के बच्चे के साथ अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद ये जागेंगे, क्योंकि इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि दूसरों के बच्चे भी बच्चे ही हैं। ये समझ जब तक हमारी इसी तरह की कमज़ोर रहेगी, और हम अपनी जॉब से थोड़ा बचते रहेंगे कि हमारे एरिया के अंदर कुछ ऐसा ना हो, तब तक समाज में उद्धार नहीं हो सकता। तो खुद इनिशिएटिव लें, कंट्रोवर्सी के अंदर घुसें, देखें कहीं कोई लूप होल नहीं है, और खुद नए तरीके खोजें। अगर आप चोरी करने के लिए या नई नई चीज़ें करने के लिए चोर किस तरह के तिकड़म लगाते हैं उनसे सीखें, और इस तरह का काम आप भी करें, वो गलत काम करने के लिए करते हैं, आप समाज हित के लिए करें, थोड़ा सा उद्धार होगा समाज का। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक क्षण समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा।